बिहार लॉकडाउन गाइडलाइंस। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। लॉकडाउन 5 से 15 मई तक लगाया गया है। ये बुधवार से प्रभावी ढंग से लागू होगा। इस दौरान अनावश्यक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। बिना वजह घूमते पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। विवाह में 50 लोग से अधिक नहीं। डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। अंतिम संस्कार श्राद्ध में 20 लोग से अधिक शामिल नहीं होंगे। प्रदेश में लगातार 10% से अधिक पॉजिटिव केस मिल रहे थे। ऐसे में मंगलवार को क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के बाद नीतीश कुमार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। सरकार ने इसको लेकर नई गाइडलाइंस का ऐलान कर दिया है। इसमें वैक्सीनेशन के लिए जाने वालों पर रोक नहीं होगी। स्वास्थ्य से जुड़े वाहन और स्वास्थ्य संबंधित शिकायत लेकर अगर निजी वाहन से जा रहे हैं तो उन पर रोक नहीं होगी। जानिए नई गाइडलाइंस। जानिए लॉकडाउन के दौरान क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद। लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही बिहार में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों भी बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल भी नहीं खुलेंगे। पार्क और जिम भी बंद रहेंगे। वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। अनावश्यक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। बिना वजह घूमते पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई। सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। विवाह में 50 लोग से अधिक नहीं। डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। अंतिम संस्कार श्राद्ध में 20 लोग से अधिक नहीं। राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में अनाज। सभी आवश्यक सेवा लॉकडाउन से मुक्त। दवा दुकान, अस्पताल, एम्बुलेंस, सरकार की ओर से लिए गए वाहन को छूट। सब्जी वगैरह सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक ही घूम घूम कर बेच सकेंगे। ई पास लेकर लोग बाहर जा सकेंगे। निर्माण कार्य जारी रहेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% क्षमता के साथ ही चलेगी, लेकिन इसमें वही लोग सफर कर सकेंगे जो विमान या रेल की यात्रा करने वाले हों। बैंकिंग, बीमा, एटीएम संबंधित प्रतिष्ठान को छूट रहेगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम प्रतिष्ठान, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट रहेगी। कृषि से जुड़े कार्यों को छूट रहेगी। लॉकडाउन के दौरान धार्मिक स्थलों और पार्कों को भी बंद रखा जाएगा। स्कूल कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण अनुसंधान जैसे तमाम संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार में शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे। धर्मस्थल पर पाबंदी पहले की तरह ही जारी रहेगी। रेस्टोरेंट को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। वहीं जरूरी सामानों की दुकानों को पाबंदियों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है।